Hello students, welcome back to my channel. Exercise 13.1, question number 4. Identify the greater number wherever the possible in each of following. तो इसमें से बताना है कि दो numbers में greater क्या है. तो first part देखते हैं हम. First part में है 4 की power 3 और 3 की power 4. तो पहले देख लेते हैं 4 की power 3. तो 4 को 3 time multiply किया तो कितना आया? 4 को 3 टाइम किया, 4 4 का 16, 16 4 का कितना होता है? 64. आगे देखते हैं 3 की पावर 4, तो इसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 4 टाइम लिखा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81. तो दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 81 ग्रेटर है 64 से. तो इसको कैसे लिखेंगे कि 3 की पावर 4 ग्रेटर है 4 की पावर 3 से. तो ये तो था फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में है 5 की पावर 3. तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये आ गया 5 5 का 25, 25 5 का 125. ऐसे 3 की पावर 5 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, 9 3 का 27 into 9. तो ये कितना बन गया? 243. तो 243 greater है 125 से. तो क्या लिखेंगे? 243 greater है 125 से. तो 243 value किसकी है? 3 की power 5 की. और ये greater किससे है? 5 की power 3 से. ऐसे ही अब हम third part देखते हैं. तो थर्ड पार्ट में है 2 की पावर 8. तो 2 की पावर 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? ये 5 टाइम हो गया, फिर 6 7 8. तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32. 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 256. ऐसे 8 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 into 8 equal to 64. तो 256 क्या है? ग्रेटर है 64 से. तो इसको ऐसे लिख लिया तो ये वैल्यू 256 किसकी आई है? 2 की पावर 8 की ग्रेटर 2 की 8 की पावर 2.